सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द सच विद माइथी आर सी ए फाइनल स्टूडेंट एंड यूट्यूबर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। यार आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया है। मैं अपनी सी ए जर्नी स्टार्ट इसमें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे सी ए को चुना और कैसे सी ए ने मुझे चुना, ये भी बड़ी बात होगी इसमें कि कैसे मैं सी ए के लाइन में घुसा एंड कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प में फाउंडेशन क्लियर किया एंड फर्स्ट अटैम्प में इंटर क्लियर किया। तो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार पहला तो स्टार्ट होता, मेरा 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, कोरोना के वजह से मेरा एक एग्ज़ाम रह गया था, बाकी सारे एग्ज़ाम मैंने दिए थे एंड वेट कर रहा था अपने रिजल्ट के लिए। कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है सीए। सोचा था एक टाइम पे सीए करूँगा, लेकिन उसके बाद मैंने ड्रॉप कर लिया था। आगे बताऊँगा किस लिए ड्रॉप किया था मैंने। देन यार कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, सोचा कॉलेज मिलेगा देन देखते हैं सोल करना है कि रेगुलर करना है। रिज़ल्ट आया 82% आए एंड मुझे लग गया कि रेगुलर नहीं मिलेगा, तो मैंने सोल के लिए अप्लाई किया एंड सोल मैंने सोचा कि सोल करूँगा देन जॉब करूँगा। ऐसे करते करते एक साल हो गया, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो जॉब भी उतने सारे से नहीं मिल रहा था। एंड आज मुझे टाइम याद है, 3 जुलाई को अचानक मुझे 11:30 बजे कॉल आता है कि तुम क्या कर रहे हो। जो जिन्होंने मुझे कॉल किया था ना, वो मेरी मम्मी के जान पहचान थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सीए करना था। देन मैंने कहा कि नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, मेरी जो फैमिली थी उतनी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती थी मुझे। एंड मैं भी जानता था कि यार कहीं ना कहीं सीए में घुसना, इंस्टीट्यूट का एक टाइम पे फीस हम लोग अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो बाहर जो कोचिंग लगती थी उसकी फ़ीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि लाखों में जाती थी वो फीस। एंड मैंने सुना भी था और काफ़ी लोगों से पूछा था कि क्या है, क्या फ़ीस है, तो सब ने ये बोला कि फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। देन यार मैं डर गया, लेकिन जब उनका कॉल आया कि तुम्हें सीए करना था तुम क्या कर रहे हो, कि मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो मैंने बताया। देन उन्होंने बोला तुम इसकी चिंता कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। देन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम फॉर्म भरो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देन यार मैं उस टाइम पे 11:30 बजे लिटरली मेरी मम्मी रोई, बिकॉज मेरी मम्मी को भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि यार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, दैट्स वाई मेरा बेटा नहीं कर पा रहा, जो उसको चाहिए वो नहीं कर पा रहा, सीए करना था नहीं कर पा रहा। लिटरली मम्मी उस दिन रोई। देन अगले दिन मैंने फॉर्म भरा एंड फॉर्म भर के मैंने ये तो ठान लिया कि यार पढ़ना है मुझे। अब जितना मैं अगर 50% पढ़ रहा था तो मुझे 100 करना है, 100 कर रहा था तो 200 करना है, बिकॉज यार कोई और मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई और मेरे चीज़ पे पैसा लगा रहा है। मैं बेशक बनिया नहीं हूँ, लेकिन बनिया जैसी हरकतें तो मेरी बहुत जैसे सिमिलर है, मुझे लोग अभी भी कहते हैं तू बनिया से जैसी हरकतें करता है तू। तो यार किसी ने अगर किसी चीज़ पे मेरे लिए पैसा लगाया तो मुझे उसको डबल देना है। देन यार मैंने पूरी मेहनत करी एंड पूरी मेहनत करके फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैंने यार पहले कोचिंग ढूंढा कि कोचिंग चाहिए होगा, मुझे लगा कि कोचिंग सब लोग मांगते हैं तो कोचिंग लगती है। जब मैंने देखा कि यूट्यूब पे यार वीडियोज़ है, तो मैंने ट्राई किया कि यार एक अटैम्प्ट देके देखता हूँ बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी करके देखता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे सामने मैथ, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं था, मैंने 11th में विदाउट मैथ लिया था, सबसे बड़ी मुश्किल वही थी मेरे लिए। तो मैंने किसी तरह यार मैथ पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मैं जिस चीज़ में कमज़ोर हूँ ना उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैथ में मैंने फुल फोकस किया कि मैथ में यार पास होता हूँ, बाकी मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मैंने यूट्यूब पर मुझे बहुत सारी कुछ वीडियोज़ मिल गई, मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखते रहा। कुछ सर थे, चंदन पोदार सर थे अनअकैडमी में, अंशुल अग्रवाल सर थे, अखिलेश डागा सर थे, ऐसे कुछ सर मुझे मिल गए जिनकी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल थी यूट्यूब में, तो मैं उनको देख के प्रैक्टिस करता डेली बेसिस में। और मैथ के लिए तो मैं चंदन पोदार सर से देखता था कि उनकी वीडियो, उनके ना कुछ इंपॉर्टेंट बताते थे और जितना चाहिए उतना बताते थे, करता था मैं यार। जैसे 4 महीने करीब आते रहे मुझे डर और बढ़ता रहा कि यार किसी और ने पैसा लगाया। ये चीज़ मेरे मन में था कि किसी और ने पैसा लगाया, मुझे क्लियर करना ही है। मैंने डबल मेहनत करने के बाद यार मैं एग्ज़ाम देने बैठा, एग्ज़ाम दे के आया। मैथ का पेपर थोड़ा बेकार गया था, बट बाकी सब में था कि मैं पास हो जाऊँगा। मैंने उस टाइम पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट करी भी नहीं भी। देन उन्होंने कुछ फेबररी 10 को हमारा फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया, और जैसे ही मैं पास हुआ सबसे पहले मैंने उनको कॉल किया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, जिन्होंने मुझे
पैसे दिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको कॉल करके कहा कि मैं पास हो गया। देन वो लोग लिटरली इतने खुश हुए ये सुन के, और कोइंसिडेंटली उनके बेटे का भी उसी दिन जन्मदिन था, बर्थडे था। देन वो उन्होंने सीधा फ़ोन उठा के ये कहा कि आज दो दो खुशखबरी एक साथ मिली। उन्होंने बोला कि हमारे दोनों बेटे, मतलब उनका जो बेटा है उनका बर्थडे भी है, एंड एक और मुझे भी बेटे ऐसे मानते हैं, उन्होंने कहा मेरा एक और बेटा पास हो गया। ये सुन के मुझे और खुश हुआ। देन मैं फिर एक और टेंशन में आ गया कि इंटरमीडिएट का उन्होंने फाउंडेशन का तो फीस दे दिया, देन इंटरमीडिएट का वो लोग देंगे कि नहीं देंगे, क्या हमें वो खुद करना पड़ेगा। तो यार तब भी यार नहीं चल सकता था, नहीं उतने स्ट्रांग है ही नहीं हमारे, मतलब अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे हम लोग। देन मैंने उन्होंने सामने से ही फिर फ़ोन करते जिससे मैंने बोला कि मैं पास हो गया, उन्होंने सीधा बोला कि तुम इंटरमीडिएट का भरो, वो भी हम कर रहे हैं। देन यार उस टाइम पे इतना वो रहा ना कि यार कोई बंदा इतना हेल्प कर रहा है, अब वो अगर वो बंदा कुछ भी बोलता है ना कभी, तेरे यार सबसे पहले हम ही पहुँचेंगे कि जो बोलेंगे। मैं उन्होंने पूरे के पूरे उसी दिन, मैंने दो तीन दिन वेट किया, देन चार दिन बाद उन्होंने सीधा सीधा मुझे जो भी इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन का फीस था पूरा पूरा उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में भेजा। देन मैंने वो फॉर्म फिलअप किया, एंड अब मैं उनसे कोचिंग के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इंटरमीडिएट में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, लिटरली पड़ती है। फाउंडेशन निकाल दिया, मैंने ट्राई किया था इंटरमीडिएट के कुछ क्लासेस ढूंढने की यूट्यूब में, मिले तो ठीक है, लेकिन जब देखा कि नहीं मिले तो मुझे लग गया कि इंटरमीडिएट में तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देन यार मैंने क्या किया, ख़त्म किया क्लासेस लिए, मैंने मुझे चाहिए था कि कोई भी टीचर मिले, अच्छा मिले, तो मैंने स्टार्ट किया अनअकैडमी में ढूंढना, क्योंकि अनअकैडमी में मैंने अंशुल सर से पढ़ा था एंड कुछ मुझे टीचर वहाँ के पसंद भी थे। देन उनके बिलीव में मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैंने थोड़े बहुत अपने पैसे लगाए, देन सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और चलते रहा, फिर अचानक यार डर बैठने लगा कि यार एक तो उन्होंने पैसा लगाया, मैंने भी अपना पैसा लगाया, मुझे वसूल करना है पैसा, तो यार वसूल करना है तो मुझे किसी तरह मुझे पास होना है वो चीज़। देन यार मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे क्या ग्रुप देना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप देना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या हैंडल कर सकते हो। तो पहले तो मैंने सोचा कि फर्स्ट ग्रुप दूंगा, देन आधे रास्ते में मुझे पता चला यार नहीं, बोथ ग्रुप देके ट्राई करता हूँ। फिर मैंने बोथ ग्रुप के लिए तैयारी करने लग गया, मतलब मैंने मुझे क्या था कि जल्दी निकालना है, मेरे फैमिली वाले उसमें वो कर रहे हैं, देन कोई और मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे जल्दी निकालना है। देन यार मैं फिर बोथ ग्रुप के लिए तैयार हो गया, बोथ ग्रुप मैंने किसी तरह पढ़ाई की, क्लासेस ख़त्म की, रिवीजन किए कम से कम दो तीन बार, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे टेंथ में उतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे, ट्वेल्थ में उतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट, मुझे जहाँ किसी बच्चे को एक बार रिवीजन करने में हो जाता है, मुझे चार बार वो चीज़ करना पड़ता है। मैंने टेक्स्ट के लिए उतना मेहनत किया, बाकी मैंने जिस चीज़ में वीक था उसमें मेहनत किया, मैंने थ्योरी सब्जेक्ट को बार बार रीड करता था, डेली रीड करता था। फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया एंड डर था कि यार पास होऊंगा। 10 जनवरी फाउंडेशन का रिजल्ट आया 10 फेब एंड इंटर का रिजल्ट आया 10 जनवरी, और बोथ ग्रुप मैं क्लियर था। आप लोगों के लिए मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैंने मम्मी को उठाया था, एंड एक डर था कि मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट थी एंड तो मुझे उनको टेंशन नहीं देना था, तो मैंने उनको पहले उठाया एंड बोला कि मम्मी एक वीडियो बनाओ आप, मैं रिजल्ट चेक करूँगा, वीडियो बनाओ। एंड देन मैंने रिजल्ट चेक किया और यार बोथ ग्रुप क्लियर कर दिया मैंने। तो सब लोग कह रहे कि यार अब तो तुझे बिग फोर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हाँ टॉप 20 मिल जाएगा, टॉप 10 मिल जाएगा। मेरे जो मेरा फ्रेंड था वो भी सीए कर रहा था, वो मेरे घर तक आ गया, जो कभी नहीं आता था वो घर तक आ गया मेरे एंड कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। एंड यार वो दिन फील ऐसा हो रहा था कि यार मैंने कुछ तो अचीव किया है। देन मैंने फिर से उनको कॉल किया जिन्होंने मुझे, मतलब उस टाइम तक मैं उनको कभी भूल नहीं सकता, ऐसा था मेरे लिए। और अभी तक मैं कभी, अगर मैं कभी कुछ सीए बन भी जाता हूँ ना, उनकी जो उन्होंने मेरे लिए किया वो कभी नहीं भूला था। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मैंने कहा कि उनको लग रहा था मैं सिंगल ग्रुप दे रहा हूँ, मैंने उनको कॉल किया एंड मैंने बोला कि मैं पास हो गया। तो जो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझे बोला कि सिंगल ग्रुप दिया क्लियर हो गया, सेकेंड ग्रुप की तैयारी करो। मैंने कहा अंकल मैं दोनों ग्रुप निकाल दिया, तो वो लोग और ज़्यादा खुश हो गए और उनको खुश देख के मुझे और ज़्यादा खुश मोटिवेट सा फील होने लगे, यार मैंने कुछ तो करा। देन इधर मेरी मम्मी
सबको बाहर जाके कह रही है कि मेरा बेटा पास हो गया, वो फील जो होता है ना यार, वो फील मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करा था और ज़्यादा मेहनत करने के लिए कि फाइनल में मुझे इसको फर्स्ट अटैम्प में निकालना है। मैंने फिर इंटरमीडिएट के क्लियर होने के बाद मैंने थोड़ा इन्जॉय किया, थोड़ा घूमा, सबके घर पे गया, क्योंकि सब लोग पीछे पड़ गए कि अब तो पार्टी बनती है। मैं ठहरा थोड़ा वो, मैंने कहा फाइनल के बाद देन आए और थोड़ा OC ख़त्म किया, IT ख़त्म किया और फिर मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़े फर्म ढूंढे। एंड फर्म ढूंढने के लिए मैं बिग फोर में उन्हीं लोगों ने ट्राई किया कि मेरा जो रिज्यूमे था उन्होंने आगे भेजा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया और मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा था और मुझे था कि नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आर्टिकलशिप में लगना है, टॉप 20 मुझे मिले हुए थे। SP चोपड़ा मैंने ज्वाइन किया देन, और SP चोपड़ा में अभी तक तो ठीक है, मुझे टीम अच्छी मिली है, मेरे जो मैनेजर है वो अच्छे मिले हैं, बाकी आगे का देखा जाएगा। फाइनल की तैयारी मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, अभी तो सेल्फ करूंगा, देन थोड़ी बहुत क्लासेस लूंगा क्योंकि स्टाइपेंड उतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी सेल्फ करूंगा, जब थोड़ा स्टाइपेंड इकट्ठे हो जाएंगे देन क्लासेस लूंगा एंड ट्राई करूंगा कि फाइनल को भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन शायद आपको ये बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये वीडियो बनाते टाइम मैं खुद खुश हो रहा था, मुझे खुद इमोशनल सा फील हो रहा था कि यार मैं CA ने मुझे चुना है, मैंने CA को तो बहुत पहले चुन के छोड़ दिया था कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाद में भगवान ने और CA ने खुद आके मुझे चुना है तो मुझे कुछ करके दिखाना है। तो यार ये अब काफ़ी ऐसा, थोड़ी देर और वीडियो बनाऊँगा तो शायद मैं रो दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।